आदमी हूं, कह नहीं पाता। अभी तक तालियां आप लोगों ने बजाई नहीं, दो कवि निपट गए, ताली नहीं बजाई, महिलाओं ने तो बिल्कुल ही नहीं बजाई। मैं आपको एक ऑफर देता हूं, ताली बजाने का तरीका बताता हूं आपसे। जितनी बहुएं बैठी हैं, अगर आपकी आपकी सास से नहीं पट रही हो तो ये वाला हाथ उठाइए और इसमें अपने सास की फोटो की कल्पना कीजिए और इस हाथ से तड़ातड़ शुरू हो जाइए। और जितनी बहुएं सासें बैठी हैं, अगर बहुओं से नहीं पट रही हो तो इस हाथ पे उसकी कल्पना कीजिए और तड़ातड़ शुरू हो जाइए। और अगर पति से नहीं पट रही हो तो वो भी ऑफर है। और हे पुरुष वर्ग के लोगों, आपके लिए भी ऑफर है, ये वाला हाथ उठाइए और इस हाथ पर पत्नी की नहीं, उस आदमी की कल्पना कीजिए जिसने आपकी शादी तय करवाई हो और तड़ातड़ डेढ़ दो मिनट तक शुरू हो जाए। एक बार तालियां बजा करके बताइए अशोक सुंदरानी शुरू होना चाहता है। भाई साहब, हाँ भाई साहब, शुभकामनाएं। कोई ना कोई आ ही रहा इस तरफ से निकल करके, मुझे तो लगता है इस तरफ आदमी बनाने कोई फैक्ट्री लगी हुई है। हर साइज का आदमी निकल करके आया, भगवान कसम इस तरफ से। इसीलिए जनसंख्या घटी नहीं रही हिंदुस्तान की। चाइना ने नियंत्रण कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने नियंत्रण कर लिया, यूरोप ने नियंत्रण कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान में नियंत्रण नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं से निकल के कोई ना कोई आ ही रहा है। भाई साहब लगातार इस तरफ वाला रास्ता बंद करवा दे। मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, सबसे लंबी दूरी की यात्रा तय करके आपके बीच में आया हूं। तालियों का बड़ा संकट है साहब, मैंने तरीका बता दिया। कुर्सियों पर बैठे लोगों ने तालियां नहीं बजाई हैं। देखो, मैं सिंधी आदमी हूं, तालियां नहीं बजाओगे मैं श्राप दे दूंगा, भगवान कसम। जो भी मेरे काव्य पाठ पे ताली नहीं बजाएगा, भगवान कसम, रात को उसके सपने में केजरीवाल आएगा। अब वो इतना खतरनाक आदमी है कि अगर सपने में आ जाए तो नींद ही नहीं आती है भाई साहब। इसलिए तालियां वालियां बजाते रहिएगा, मस्त रहिएगा। इस तरफ वाला रास्ता बंद कर दे, व्यवस्थाएं तमाम है। लगता है आयोजकों ने सारे लोगों को अलग अलग टाइम दे के रखा था, इसलिए हर कोई अपने टाइम पे आ रहा है। आओ भाई साहब, ये इधर से प्रकट हो गए। परिवार नियोजन वाले कंट्रोल कहां से करें, एक दिशा का पता ही नहीं लगता भाई साहब। इसीलिए अपने देश, हमारे एक कवि ने कहा था, एक दो पंक्तियां याद आ गई उसकी, कि क्यों नहीं घट रही है जनसंख्या। चाइना ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, यूरोप ने, सब ने नियंत्रण कर लिया अपने जनसंख्या का, लेकिन एक और उठ गए। अच्छा, दिक्कत ये होती, कोई आदमी नया कुर्ता पहन ले और नहीं देखे कोई तो दो तीन बार उठता बैठता है कि आदमी देख ले कि अगले ने नया कुर्ता पहन रखा है भाई साहब, और पहली बार अपना कुर्ता पहन रखा है तो सब ने देख लिया भाई साहब जा रहे, अगले की मेहनत सफल है भाई साहब कि 300 रुपए का कुर्ता लोगों ने देख लिया, एक ने नया कोट पहना तो ये आ गए भाई साहब। टेंशन यही फंसा हुआ है भाई साहब हमारे बीच में। चलिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब इधर का रास्ता बंद होने वाला नहीं। तो एक कवि ने लिखा, सबने नियंत्रण कर लिया लेकिन हिंदुस्तान में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं हुआ। उसका कारण यही है कि हिंदुस्तान चमत्कारी देश है भाई साहब। किसी कवि ने लिखा कि यह हिंदुस्तान वो देश है, हाँ भैया खींचो, हंसने की बात नहीं, कैमरामैन भी वही बनता है जिसको बचपन से दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है भाई साहब। बाद में वो फोटोग्राफर हो जाता है, पेशा हो जाता है भाई साहब उसका। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं इनको। मैं इधर कविता पढ़ रहा हूं, फोटो उनकी खींच रहा है। मेरे बहाने इसने जिन दो देवियों की फोटो खींची, सब जानते हो आप लोग समझदार लोग, क्योंकि फोटोग्राफर को यह सुविधा होती है कि वो किसी को भी एक आंख से देख सकता है, कोई उसको कुछ नहीं कहता भाई साहब। किसी भी शादी समारोह में आप चले जाओ, जितने भी फोटोग्राफर होते हैं, दूल्हे का फोटो दूर से लेते हैं, दुल्हन का क्लोजअप लेते हैं। मैं एक शादी में चला गया, फोटोग्राफर लगा हुआ था, दुल्हन का चेहरा कहीं ऐसे करे, कहीं ठुड्डी, कहीं गाल, कहीं बाल, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कर क्या रहा, वो बोले भाई साहब बीच में डिस्टर्ब मत करना, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं। अरे मैंने कहा अगर आज की रात तू करेगा तो दूल्हा कब करेगा यार उसको एडजस्ट। तालियां वालियां बजाते रहिएगा, मैं शुरू होना चाहता हूँ भाई साहब, नहीं तो मैं शार्ट कर दूंगा भाई साहब अपना कार्यक्रम। आओ प्रभु, जहां दो तीन आदमियों की जगह मिले बैठो।
क्या शरीर दिया भगवान कसम, जितना अच्छा फेस उससे अच्छा सरफेस इनका, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा चेहरे पे, और क्या सरफेस है, हंसने की बात नहीं। हमारी जिंदगी में महिलाओं का दखल होता है, सर पे प्यार से हाथ फेरने का अधिकार दो ही को होता है, या माँ को या फिर पत्नी को। फर्क सिर्फ इतना होता है कि माँ जब प्यार से सर पर हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और ये तो पत्नी का प्यार लेकर के आए हैं रात को 11 बजे, इनके लिए भी जोरदार तालियां वालियां बजनी चाहिए। ये एक रात में दो दो आनंद उठाने वाले लोग हैं, एक निपटाए अब एक को यहां निपटाने बैठे हैं। भाई साहब मैं प्रणाम करता हूं ऐसे समझदार श्रोता को, बड़ी देर में प्रकट हुआ भाई साहब, मैं आपके आनंद को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हास्य का कवि बनता कैसे है, हास्य का कवि उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं, हास्य का कवि तैयार हो जाता है। साहब एक झोला ही लेके आ गए, पता नहीं क्या भरा हुआ लेके, इधर से उधर उधर से इधर ही टहल रहे। जिस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता होगा उस दिन ये झोला लेके किसके घर जाते होंगे समझ में नहीं आता। भाई साहब मैं आपके भी आनंद को प्रणाम करता हूं, झोले में भगवान जाने क्या भरा हुआ है, ये रोज ऐसे ही झोला ले। हास्य का कवि तैयार कैसे होता है, क्या करें साहब, हास्य का कवि उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं और हास्य का कवि तैयार हो। मेरा बड़ा लड़का 10वीं में पढ़ता है, 10th में, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल होके आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक फिर फेल हो गया, आसपास के वातावरण से कुछ देख सीख, शर्मा जी की लड़की को देख 92% नंबर, 92%, मिश्रा जी की लड़की को देख 93%। मेरे लड़के ने पलट के जवाब दिया, उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखे, आपकी तालियां ठाका गलत जगह पर आ गया। मेरा दर्द ये नहीं है भीनमाल के लोगों, बंबई के लोगों, जहां से भी आए, मेरा टेंशन ये बिल्कुल नहीं है कि 10वीं का लड़का तो 10वीं में पढ़ने वाला तो 17-18 साल का कह सकता है कर सकता है। मेरा दूसरे नंबर का बेटा 4th में पढ़ने वाला, 4th में पढ़ने वाला, 8 साल की मासूम उम्र, इंग्लिश मीडियम स्कूल का लड़का, स्कूल से लौट के आता था तो बड़ा उदास रहे, निराश रहे, मुझे बड़ा असर लग के पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक दिन लौट के स्कूल से बड़ा प्रसन्न, नाच रहा था, गा रहा था, कूद रहा था। अरे मैंने कहा पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न क्या हुआ? बोले पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटी है। ये 8 साल का लड़का कह रहा 4th में पढ़ने वाला, क्या दिया इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने। बोला पापा कुछ मत पूछो, जो नई मैडम आई इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल है कि लगता है पढ़ाती रहे, 40 मिनट का पीरियड ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के उसको डांटा, मैंने कहा नालायक जो मैडम पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, ज्ञान देती है, उसको हमेशा अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे उस बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपने ही जुगाड़ में रहते हो। क्या करे साहब, बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे आजकल, इसीलिए हास्य का कवि पैदा होता है साहब, क्या करें। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत सारी महिलाओं की उपस्थिति है। एक आदमी ने मेरे से पूछा कि शादीशुदा महिला की क्या पहचान, अरे मैंने कहा जिसकी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र यहां तक लटकाओ, अलग पहचान में आ जाती शादीशुदा। बोले फिर पुरुष की, मैंने कहा जिसका चेहरा मंगलसूत्र की तरह लटकाओ, अलग पहचान में आ जाता है कि शादीशुदा। क्या करें, शादीशुदा आदमी का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता भाई साहब, वो मंदिर भी जाता है, गिरजाघर भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है। शादीशुदा आदमी बेचारा भटकता है शादी के बाद। एक आदमी की शादी हुई, 3 साल हो गए थे साहब, पत्नी ना हंसे ना मुस्कुराए ना खुश रहे, बड़ा परेशान था, तो चला गया निर्मल बाबा के दरबार। वाह, कमाल के दरबार लगने लग गए साहब, निर्मल बाबा के दरबार में चला गया। बोले बाबा प्रणाम, 3 साल हो गए शादी को, पत्नी एक दिन भी ना खुश रही, ना हंसी मुस्कुराई तक नहीं, कोई उपाय बताओ बाबा पत्नी खुश रहे मुस्कुराए। निर्मल बाबा बोले बेटा अगर ऐसा कोई उपाय मुझे पता होता तो मैं खुद निर्मल बाबा काय को बनता। अरे बोले बाबा मजाक मत समझो, बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हूं, 3 साल हो गए, कोई उपाय बताओ। निर्मल बाबा ने आंख बंद करी, खोली, बोले बेटा पत्नी खाना बनाती है? बोले हाँ बाबा बनाती है। बोले बेटा रोज खाता है? बोले हाँ बाबा रोज खाता हूं। बोले बेटा कभी उसके खाने की तारीफ की? बोले ना बाबा तारीफ तो कभी ना की। बोले बस तो कृपा वहीं अटकी हुई है, एक बार तारीफ करना शुरू कर कृपा बरसनी चालू हो जाएगी। उसको रास्ता मिला, रात की गाड़ी पकड़ी, सुबह घर, पत्नी को बोला नाश्ता बना के लाओ, पत्नी ने बोला क्या खाएंगे नाथ? वो बोला आलू के पराठे दही के साथ। पत्नी भी गई पहली बार, 2 गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के लाई, दही की कटोरी साथ में रख के लाई। पति ने जिंदगी में पहली बार भगवान कसम खाया कम तारीफ ज्यादा की,
आधे घंटे खाया, एक घंटे तारीफ की, जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ पत्नी ने आके एक लात मारी, 3 फीट दूर गिरा, बोली नास पीटे, 3 साल से मैं बना रही थी, तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन से मांग के लाई तो साला तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। तालियां एक बार पीछे तक दिखने चाहिए मुझे, हाथ उठे हुए आपके, बहुत देर से आपने ताली नहीं बजाई, इस बार तो माताओं बहनों ने भी बजा दी, आपकी लात मारने की भी भरपूर प्रैक्टिस नजर आती है मुझे भी। ये सारे पुरुषों को मैं प्रणाम, दयनीय पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भीनमाल के लोगों को मैं नमन करता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भीनमाल के लोग, जैन समाज का तो और ज्यादा, अहिंसा भी अपना ले, दया भी अपना ले, करुणा भी अपना ले और बच भी जाए। भीनमाल का एक आदमी, एक ताजी घटना याद आती, भीनमाल का एक आदमी मच्छरदानी लेके आया, पूरे देश में डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया फैला, लेकिन भीनमाल में नजर तक नहीं लगी डेंगू की चिकनगुनिया की। उसका कारण, यहाँ का आदमी एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल आदमी, एक मच्छरदानी लेके आया साहब, उसमें एक बड़ा छेद निकला, और कहीं का होता तो वापिस करने जाता, लेकिन भीनमाल का आदमी एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल, उसने वापिस नहीं किया मच्छरदानी को, उसने उस छेद के सामने उतना ही बड़ा एक और छेद किया, और घर पे 3 फीट का पाइप पड़ा था, उसने दोनों छेद के बीच में 3 फीट का पाइप फंसाया। अब मच्छर इधर से आए, इधर से बाईपास हो जाए, जो आदमी मच्छर को बेवकूफ बना ले और रत्ती पर हिंसा ना करे वो होता है भीनमाल के जैन समाज का आदमी। एक बार अपने लिए तालियां वालियां बजा दें साहब, मस्त लोग हैं आप लोग, एवन आदमी। मैं थोड़ा डरा हुआ था, आपकी तालियां कम उठ रही थी, मैं जब पता नहीं क्या होगा मेरा हश्र, सच बता रहा हूं, आप लोग तो ऐसे श्रोता हो। आइए अशोक जी, इन्होंने भी नया जर्किन पहना हुआ है तो आता है हर कोई, ये पिता पुत्र दोनों आए हैं, आदमी आता है अपने साथ लेकर के आता है किसी न किसी को, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। भीनमाल के बच्चे तो बच्चे हैं, मेरे बगल में रमेश शर्मा जी बैठे थे, बोले छोटे छोटे बच्चे आगे बैठ गए, ये क्या कविता समझेंगे। अरे मैंने कहा भीनमाल के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक को लेके आए अभी उनके पिताजी,